प्यारी और मैं हूं मोहम्मद समद। दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर और बहुत परेशान कर देने वाली खबर पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो खबर कुछ बहुत ही बुरी आ रही है पीसीबी के दरिया के मुताबिक कि इंग्लैंड के कुछ 14 प्लेयर हैं ऑलमोस्ट पूरी टीम जो कि वायरल इन्फेक्शन कह सकते हैं आप फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं शिकार हो गया उसका। सिंपली बात है जिसको हम अपने अल्फाज में बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा दोस्तों परेशानी हुई है क्योंकि पाकिस्तान के साथ ही ऐसा होता है। पिछले साल न्यूजीलैंड की टीम आई है वो हमें बीच में छोड़ के चले गए। अब इंग्लैंड की टीम आई थी ये 2 महीने पहले उनको कराची का फूड पसंद है या लाहौर का फूड पसंद नहीं है। इस मरतबा वो शेफ भी अपने हिसाब से आए कि हम अपना शेफ लेके जाएंगे। फिर भी वो फूड हाँ। से जो है उनका एक मसला हो गया वो बात आदमी कह सकते हैं इतनी घबराने वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको उनके लिए ये चीज मायने रखती है ये छोटी छोटी चीजें भी कि बात आदमी हो गया कल मैच खेलना है आज हाँ। वो बताइए सामने प्रैक्टिस के दौरान जो है सिर्फ 6 खिलाड़ी हाँ। आज दोस्तों 6 प्लेयर या 5 प्लेयर जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में आए इंग्लैंड की तरफ से बाकी तमाम के तमाम को होटल में रहने का कहा गया है। और अभी ईसीबी का ज़ाती बयान भी निकल कर सामने आ रहा है जिसमें ईसीबी का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है हमने एहतियातन तौर पे प्लेयर्स को होटल में रहने का कहा था लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है जो प्लेयर्स हैं वो मुकम्मल फिट है ये ईसीबी का कहना है। अभी पीसीबी क्या कहता है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ईसीबी जो कह रहा है सर वो कह रहा है कि हाँ सो गाइस आज जो है पीसीबी और ईसीबी की जो है साथ में जो कबीना बैठेगी तो आज वो बता देंगे कि मैच का जो शेड्यूल जारी करना 8 बजे बताएंगे वो कॉन्फिडेंस है कि होना या नहीं होना क्या खिलाड़ी जो है फिट हो गए हैं। वैसे तो खिलाड़ी के काफ़ी इंटरव्यूज आए हैं कि हम जो है अभी बेहतर हैं तो आज देखते हैं। अभी वो कॉलिंग वुड ने स्टोरी भी लगाई थी अपने इंस्टा पे के सर्वाइव मतलब कि आगे की तरफ हम जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग दोस्तों हमें भी होती है जैसे कि हम आम लोग हैं वो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए चीज मायने रखती है। अभी पीसीबी और ईसीबी की मीटिंग भी है 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो ईसीबी और पीसीबी मीटिंग करेंगे तकरीबन 8 बजे तक ये पता चल जाएगा कि टेस्ट मैच एक दिन आगे जा रहा है टेस्ट मैच कल ही होगा टेस्ट मैच क्या क्या करते हैं आगे। और एक दफा देखा जाए तो टेस्ट मैच की जो है वो सोल्ड आउट हो गई है टिकट्स हाँ 70% हो गई है वो भी। दूसरी तरफ टिकट्स जो है धराधर बिक रही है हाथों हाथ कहते हैं ना है, शायकीन जो है वो बहुत हैरान हो रहे हैं परेशान है कि हम क्या करें टिकट्स कहाँ से लें। तो दोस्तों जिन्होंने ले ली 30% टिकटें बाकी रह गई है 30 तो आप भी ले लें ताकि इंग्लैंड को पता चले ना पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन कितने पुरजोश हैं कितने क्रिकेट लविंग नेशन है ये भर भर के टेस्ट मैच देखने के लिए स्टेडियम भर जाए ताकि वो भी हैरान हो जाए और वो भी काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। अभी इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाला था ईसीबी ने पिंडी स्टेडियम सामा भाई है भी ऐसा दिख रहा है वो नजदीक से हां वो ग्राउंड छोटा है वो जो पिंडी का है ना स्टेडियम वो इसीलिए बहुत अच्छा है कि उसका ग्राउंड छोटा है और आवाम और प्लेयर के दरमियान फासला कम है। अब कराची का देख लें जैसे हम लाहौर में जाते हैं देखने वो प्लेयर कहाँ भी होते हैं और जहाँ हम बैठे होते हैं वो कितनी दूर जाए क्योंकि उनका ग्राउंड भरा है काफी वाला जो पिंडी का ग्राउंड छोटा है इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स और फैंस के अंदर इंट्रैक्शन हो जाती है जैसे कि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बैठी डेविड वार्नर कितनी कमें लगा रहे थे फैंस के साथ। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इस टाइम परेशानी का आलम चल रहा है पीसीबी के अंदर ये क्या किया जे एक प्लेयर नहीं 2 प्लेयर नहीं 5 नहीं 6 नहीं इकट्ठे 14 प्लेयर जब फूड पॉइजनिंग हो गई हमको वायरल इन्फेक्शन भी आप कह रहे हैं तो बहुत मसला हो सकता है लेकिन हम फिर भी पूरी उम्मीद है कि जैसे लेटेस्ट अपडेट आ रही है हम आपके पास वापस जुड़ी जा रहे हैं ताकि हम जो अपने चाहने वाले हैं देखने वाले हैं उनको हम सबसे पहले खबर इसी प्लेटफॉर्म से दी जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप अब जो भी मामला तय हो रहे हैं पीसीबी के बैठ के फैसला करें तो एक दुआई कर सकते हैं कि जो है मैच बोलते भी ना हो हम तो देखें जी क्रिकेट फैन है हम तो यही कहेंगे कि मैच होना चाहिए हमें तो बल्कि फख्र महसूस होता है कि जी मुख्तलिफ टीमों के जो खिलाड़ी हैं टीमें आती हैं खेलने में हमारे मुल्क में आती हैं हमें फायदा होता है उससे
हमारा इमेज अच्छा जाता है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, तो हमें तो इसका बहुत फायदा है। 2009 के बाद कैसे हमारे हालात रहे वो हमें पता है। श्रीलंका का जो नाखुशगवार वाकया था वो 2015 में ऐसा ऐसा नजम सेठी साहब ने रुवाई करवाई क्रिकेट, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज का। एक जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो सामी को आपको पता ही होगा, वो एक खिलाड़ी है एक ही टीम का कि जिसकी वजह से वो दोबारा क्रिकेट बहाली पाकिस्तान। डेरेक समी जी 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 डेरेक समी को तो बहुत क्रेडिट जाता है, उनका बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान में क्रिकेट को बहाल करवाने में, उनका तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ऐसे ही रिवाइव हुई क्रिकेट, अब देखिए इंग्लैंड की टीम आई हुई है, सब टीमें आ रही है अगले महीने, आखिर में न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, कौन सी टीम रहेगी, सब टीमें आ गई। अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल जी प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी दी जा रही है, सबसे हैवी सिक्योरिटी होती है उसकी सदर मुमलकत की, उसी लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो काफी खुश है इंग्लैंड के प्लेयर्स भी। और ये जो चीजें हैं फूड पॉइजनिंग वगैरह ये तो कहीं भी हो जाती है, अब पीछे साउथ अफ्रीका के जो 10 प्लेयर्स हैं, इंडिया गई थी ना साउथ अफ्रीका की टीम अभी सीरीज गेम है, उनके 10 प्लेयर को बाधा नहीं हो गई थी वहाँ पे, मतलब इतना हाईलाइट नहीं किया गया इस चीज़ को, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी स्टार्ट हुई है क्रिकेट दोबारा रिवाइव हुई है, तो ये चीज़ जो ना हाईलाइट हो जाती है हमारी कंट्री में। बिल्कुल ऐसी है, तो हमारी तो यही दुआ है कि दोस्तों इंग्लैंड की टीम के साथ हमारा पहला टेस्ट मैच कल शेड्यूल के मुताबिक हो, और किसको खिलाएंगे किसको नहीं, इंग्लैंड की टीम ने और इंग्लैंड की टीम ने कल अपना जो टेस्ट स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया है प्लेइंग 11 अपने 11 के लिए, जेमी रिचर्डसन भी उसमें शामिल हैं, ओपनिंग करेंगे लीग रेफरी, उसके साथ ओली पॉप करेंगे, उसके बाद जो है रूट भी आएंगे नंबर 4 पे, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रोक, जो हैरी ब्रोक को मैं देख काफी रहा हूँ, टी ट्वेंटी के वो प्लेयर माने गए थे लेकिन उन्होंने टेस्ट स्क्वाड में भी शुरू रखा है। लिविंग स्टोन की मैं बात कर रहा हूँ, लिविंग स्टोन के बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन इंग्लैंड जो है वो अग्रेसिव खेलता है ना, वो उनका जो कैप्टन है वो कहता है कि हम अग्रेसिव ही खेलेंगे टेस्ट में, इसलिए उन्होंने कहा लिविंग स्टोन को ला दिया, ठीक है मारेगा फिर तो वो भाई। बिल्कुल ऐसे जब एंड में मैच ऐसा होगा उसने आगे फिनिश कर देने। लिविंग स्टोन भी कल डेब्यू करेंगे उनकी तरफ से, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हम आपको बताएंगे अगले शो में। सो गाइस उसके अलावा आपको पिच के हवाले से बात करते हैं, पिच तो उन्होंने पिच बनाई है ना वो एक साथ शुरू में जो है फास्ट बॉलिंग नहीं मतलब स्टार्ट में फास्ट को मदद करेगी और बाद में जो एंड में स्पिनर को उन्होंने हेल्प देनी है। पिच पीसीबी के काफी तनकीद हुई थी इसलिए इस मरतबा पीसीबी काफी एहतियात बरत रहा है पिच को ये मामले में, काफी अच्छी बनाई है पिच, ये टेस्ट मैच देखना दोस्तों सबको मजा आएगा और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी हम आपको बैट्समैन के लिए तो खतरनाक पिच साबित होगी, बैट्समैन के लिए ये अंधेरे वाला ख्वाब साबित होगी, तो देखते हैं बाबर आजम क्या करते हैं, जवाहर रूम वहां पर क्या करते हैं, काफी देखने का मजा आएगा और हम आपके साथ लेटेस्ट अपडेट लेके आते रहेंगे बार बार, जैसे कोई नई खबर आएगी हम आते रहेंगे, सबसे पहले हम आपको वो खबर देंगे, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अगली वीडियो में आ रहे हैं दोस्तों आपके पास।